तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मोटर के बीच में एक रोटर लगा जाता है और रोटर के शाफ्ट के साथ इस तरह से पतले छल्लेदार वाशर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कूलर मोटर में वाशर नीचे कितना लगाया जाता है और ऊपर में कितना लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इस बात को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप गलती से भी नीचे में या ऊपर में वाशर कम या ज़्यादा लगा देंगे तो ऐसे में आपका मोटर ओवर हीट होने लगेगा और जाम प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसलिए आपको एग्जस्ट कितना वाशर लगाना ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के जो में स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों मोटर के नीचे में वाशर कितना लगाया जाता है इसका जानने का तरीका अलग होता है और मोटर के ऊपर की तरफ वाशर कितना लगाया जाता है इसका जानने का तरीका अलग होता है, ठीक है। दोस्तों दोनों ऊपर नीचे में हमें कितना वाशर लगाना पड़ेगा इसको जानने के लिए हम पहले मोटर को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम वाशर का यूज करते क्यों हैं, ठीक है। दोस्तों वाशर का यूज हम इसलिए करते हैं, ये जो रोटर होता है और जो स्टेटर होता है उसका जो लेवल है उसको बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर वाशर का यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों वाशर का यूज करने से पहले आपको यानी कि वाशर कितना लगाना है आपको ये जानने से पहले आपको इस बात को जानना ज़रूरी है जो मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप रोटर की मोटाई की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक इसकी मोटाई है। तो दोस्तों ये इसकी मोटाई है जितना जितना कि इसका स्टेटर का यहाँ पर मोटाई है, ठीक है। यानी कि जितना मोटा आपका स्टेटर रहता है उतना ही आपका रोटर भी रहता है। जैसे कि हाफ इंच का स्टेटर आता है तो हाफ इंच का रोटर भी रहता है, पौन इंच का आता है तो पौन इंच का इसका रोटर रहता है, एक इंच का स्टेटर आता है तो एक इंच का रोटर आता है, ठीक है। यानी कि जितना स्टेटर का साइज रहता है मोटाई उतना ही आपका रोटर का साइज रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों रोटर का जो लेवल है उसको स्टेटर के बराबर रखने के लिए हम उसको यहाँ पर वाशर का यूज करते हैं। अब दोस्तों कितना वाशर हमें नीचे में लगाना है इसको समझने के लिए हम यहाँ पर खाली स्टेटर और खाली रोटर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोटर का ऊपर वाली भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर और स्टेटर का यहाँ पर ऊपरी वाला भाग। तो इस दोनों भाग को समतल रखना पड़ता है, एकदम बराबर रखना पड़ता है ताकि दोनों बीचों बीच रहे। इस तरह से आपको बराबर रखना पड़ता है और नीचे में जितना भी वाशर आ जाए इसको बराबर रखने के लिए इतना आपको डालना है। और गलती से भी वाशर कम लगाते हैं तो इस तरह से रोटर बाहर निकलेगा, अंदर की तरह धंसा हुआ रहेगा और ऐसे में क्या होगा कि आपका मोटर ओवरहीट हो सकता है। अब ओवरहीट कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप मोटर में सप्लाई देंगे तो कॉइल में मैग्नेट जनरेट होगा और उसकी पूरी पावर रोटर को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोटर का कुछ भाग आगे की तरफ धंसा हुआ रहेगा और पूरी पावर रोटर को नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से रोटर को घूमने के लिए अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस कारण से आपका मोटर ओवरहीट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि नीचे की तरफ हमें कितना वाशर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे वाले ढक्कन को पहले आपको इस तरह से लगाना है ना, और इसके बाद जो रोटर है वहाँ पर जो शाफ्ट है उसमें सबसे पहले आपको दो वाशर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दो वाशर लगा हुआ है, उसके बाद हम पता करेंगे कि इसमें कितना वाशर लगाने की और ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर दो वाशर पहले लगाए, अब इस बूश में डालकर देखते हैं कि रोटर का लेवल स्टेटस से कितना ऊपर कितना नीचे है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रोटर है वह अंदर धंसा हुआ है, रोटर के स्टेटर के लेवल में नहीं है, अंदर धंसा हुआ है। तो हमें इस रोटर को पहले ऊपर उठाना है। अब ऊपर उठाने में हमें जितना भी वाशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगा हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसकी लेवल को ऊपर लाएंगे, जो रोटर है ना उसकी लेवल को ऊपर लाएंगे, इसके लिए हम अंदर वाशर लगा देंगे तो यह ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से कम दो वाशर का यूज और करेंगे, पहले हमने दो वाशर लगाए थे अब दो वाशर यहाँ पर और लगाएंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर दो वाशर और इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने चार वाशर लगा लिए हैं, अब लगा कर देखते हैं इसका लेवल ऊपर आया कि नहीं आया, रोटर का लेवल स्टेटर के बराबर आया कि नहीं आया। आप किनारे से देखिएगा तो हमें लग रहा है कि हल्का सा और धंसा हुआ है, रोटर अंदर की तरफ हल्का सा धंसा हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें कम से कम एक वाशर और लगाएंगे जिससे कि इसका लेवल एकदम बराबर हो जाएगा और इसका पूरी पावर रोटर को मिलेगा और हमारा जो फैन है वह एकदम स्मूथ चलेगा। तो हम इसमें एक वाशर और यूज करते हैं और यहाँ पर उसका वाशर चिपक चुका है, इसको निकाल कर यहाँ पर लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें टोटल 5 वाशर यूज किए हैं और यहाँ पर इसका लेवल बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं
इसका लेवल बराबर आ चुका है। अब दोस्तों इसमें पांच वाशर हमने यूज किया, जरूरी नहीं कि आपका भी मोटर में पांच वाशर ही लगेगा। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका रोटर और स्टेटर का लेवल बराबर है कि नहीं, उतना ही आपको वाशर लगाना। हो सकता है पाँच की जगह छः सात आठ नौ दस इतना वाशर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। लेवल को बराबर आपको रखना है, तो इस तरह से पहले नीचे में आपको इतना वाशर लगाना है लेवल को बराबर रखते हुए। अब ऊपर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो वाशर लगाकर चेक करना है। तो ऊपर की तरफ कितना वाशर लगाना है ये डिपेंड करता है कि आपका मोटर का चाल कितना है, इसका प्ले कितना है। दोस्तों मोटर का प्ले आपको 1 mm से 1.5 mm तक रखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा या कम नहीं रखना है। अब इसका प्ले कितना है इसे हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम हाथ के अंगूठे की नाखूनों की सहायता से चेक करेंगे, बूस के सॉफ्ट के ऊपर रखेंगे और बूस के किनारे ले जाएंगे। इस तरह से बूस के किनारे आपको कुछ ले जाना है और पकड़ कर आपको खींचना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कितना गैप है, कितना चाल प्ले है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। लगभग 1 mm के आसपास ही इसका चाल है। तो बस दोस्तों इतना ही आपको चाल रखना है, 1 mm से अधिक आप 1.5 mm तक इसका चाल को रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका रोटर आगे पीछे होगा चलते समय और आपका मोटर ओवरहीट हो सकता है, ठीक है। कम रखेंगे तो आपका मोटर कम घूमेगा, जाम हो सकता है। तो आपको 1 mm से 1.5 mm तक ही रखना है। और यहाँ पर हमने सिर्फ दो वाशर का यूज़ किया और इसका जो चाल है वह एकदम फिक्स है, तो हमें यहाँ पर और वाशर डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें वाशर निकालने की ज़रूरत है। अगर इसमें चाल ज़्यादा है तो आप इसमें और वाशर डालकर इसका गैप को, चाल को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी चाल के हिसाब से आपको ऊपर में वाशर का यूज करना है। दोस्तों आपको हो सकता है कुछ और समझ नहीं आया वीडियो, तो आप दोबारा देख सकते हैं और कुछ बातें समझ ना आए तो उसको कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। टोटल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।